क्रिकोमेडी का एपिसोड नंबर 73 आ चुका है। कोहली और बेस्टो की लड़ाई को कवर किया है इन्होंने साथ में, 35 रन्स का ओवर। बाबर आजम का जो एक और रिकॉर्ड है वो कवर किया है, और ये 200 किलोमीटर वाली स्पीड बॉल कौन सी है ये भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अभी। दोस्तों बहुत कुछ हो गया क्रिकेट की दुनिया में पिछले कुछ दिनों से, और मैं कोशिश करूंगा कि जो चीज़ें अभी नहीं कवर हो सकती हैं वो फिर अगली एपिसोड के अंदर भी मैं कवर करूं, लेकिन अभी इस एपिसोड को शुरू करेंगे। सबसे पहले एक बहुत ही कांटेदार सीरीज जो इस वक्त चल रही है, इनफैक्ट एक ही टेस्ट मैच है जो कि इंडिया और इंग्लैंड का है इस वक्त। काफ़ी हद तक इंडिया उसके टोटल कंट्रोल के अंदर भी है, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चल सकता क्योंकि टेस्ट मैच का जो मज़ा है वो इसी चीज़ में मज़ा है कि कुछ पता नहीं चलता, एक सेशन के अंदर भी जो है पूरी गेम बदल जाती है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, इंग्लैंड का वापस आना बहुत ही मुश्किल है। इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो कप्तान है वो है मेरा भूमि, मतलब भूमि इसलिए कप्तान है क्योंकि मेरा जो रोहित शर्मा है वो मासूम हो गया है, बीमार है। मतलब ये ना लगता है किसी की कोई काली नजर है, कोई काला जादू हुआ है, क्योंकि जब से कप्तान बना ये बेचारा बस बीमार ही हो रहा है। कभी ये पेट खराब हो रहा है, कभी इसको कोविड हो रहा है, कभी ये प्रेग्नेंट हो रहा है। इसको बाबे शाबे के पास जाओ, कोई काट कराओ, क्योंकि ये तो बस जब से कप्तान बना है औरों को ही कप्तानी के चांसेस दे रहा है। खैर वो बेचारा बाहर हो गया, इसलिए भूमि आ गया, और भूमि ने आगे कहा कि यार मैं कप्तानी भी करूंगा, मैं बॉलिंग भी करूंगा और मैं बैटिंग भी करूंगा। बैटिंग के अंदर उसने जो जौहर दिखा दिए यार, मतलब एक ओवर के अंदर 35 रन मारे और वो भी मार के बंद करके इधर उधर घुमा रहे और रन्स पे रन्स बने जा रहे हैं, और वो उसने 35 रन मारे भी हैं। तो मेरे मासूम स्टुअर्ट ब्रॉड को, मतलब यार इस मासूम, इसकी शक्ल के ऊपर आप लोगों को तरस नहीं आता यार। ये बेचारा जो है T20 के अंदर भी 36 रन खा चुका है और अभी भी जो है वो 35 रन खा के इस टेस्ट के अंदर जो है अपना नाम रोशन किया है। ये भी एक रिकॉर्ड बना दिया इसने कि टेस्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट रन जो इसने दिए T20 के अंदर, इसने सबसे हाईएस्ट रन दिए थे 36 रन जो कि यूवी ने मारे थे। और ये जो मशहूर हुआ था ये 36 रन खाने के बाद मशहूर हुआ था, और मेरा ख्याल में अब चूंकि इसने 35 रन खा के एक नया रिकॉर्ड बना दिया तो अब इसके रिटायर होने का टाइम आ चुका है। लेकिन वैसे आपस की बात है, 36 रन जब इसने खाए थे तो उसके अंदर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स इसको पड़ी थी, 6 के 6 जिसके अंदर 6 छक्के पड़े थे, वो भी फ्लिंट ऑफ की गलती थी, गुस्सा इस मासूम के ऊपर निकल गया था। लेकिन इस दफा जो ये बेचारा 35 रन खा के बैठा हुआ है, इसके अंदर बहुत सी ऐसी शॉट्स थी जो कि टॉप एज थी, कोई इन साइड एज लग के जो है वो चौका हो रहा है, कोई ऊपर से इतना जबरदस्त बाउंसर था कि वो ऊपर से ही चला गया और वाइड की भी जो है वो चौके हो रहे, टॉप एज में छक्के भी पड़े इस मासूम को। एक कैच की भी एफर्ट थी जिसके ऊपर उसने जो है वो कैच पकड़ना मुनासिब समझा और चौका हो गया, अगर उसको रोकना चाहता तो रोक भी सकता था। इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि, और वैसे भी जो बल्लेबाज थे वो भी आंखें बंद करके यूं मार रहे हैं, कभी यूं मार रहे हैं, और वो शॉट्स निकल रही थी। लेकिन जो भी हो, रिकॉर्ड तो रिकॉर्ड होता है, इस मासूम के ऊपर लिखा था। मुझे लगता है कि इस मासूम आदमी ने किसी बहुत ही शरीफ और बापर्दा किस्म की खातून का दिल तोड़ा है और उसकी बद्दुआ इसको लगी हुई है, बस इसको बेचारे को जो है वो इस किस्म की जो है एपिसोड्स देखने पड़ते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन जो भी हो, रन तो पड़ गए बेचारे को 35 रन, और रिकॉर्ड के अंदर आ गया है कि हाईएस्ट T20 के अंदर जो रन खाने वाला है वो भी स्टुअर्ट ब्रॉड है, और टेस्ट के अंदर भी यही है, इसको ओडीआई भी 2000 खेला था कि तीनों फॉर्मेट्स में अपना नाम रोशन कर दे। खैर यार, कुछ जबरदस्त किस्म का टेस्ट मैच हो रहा है, जबरदस्त कांटे का मुकाबला है, इंडिया बहुत हद तक कंट्रोल के अंदर है, लेकिन फिर भी ये होती है ना टीम्स जिनके अंदर मजा भी आता है। इंग्लैंड ने उसी फॉर्म पे शुरू किया था जिस फॉर्म पे उन्होंने कीवीज को बाय बाय कहा था, खैर बात कहा था इनके, इंडिया के मेरे ख्याल में 90 के ऊपर 5 आउट कर दिए थे, लेकिन उसके बाद वो जो ऋषभ पंत आया है और फिर वो जो जडेजा ने इनिंग्स खेल लिए, सेंचुरियां मारी हैं, और उन्होंने भी वही इनिंग्स खेली जो बेस्टो और स्टोक्स खेलते हैं। उन्होंने कहा यार वनडे की तरह खेलो, देखो भाई ये कोड जो है वो अनलॉक हो चुका है, ये क्रैक हो चुका है कोड, टेस्ट वेस्ट में जो खड़े हुए हैं खड़े हुए 2.5 दिन के बाद आपने 300 रन बनाने, उससे बेहतर है कि 2 सेशन के अंदर ओडिया की तरह खेलो, 300 बना दो, अगर आउट हो गए तो ठीक है आउट ही हो गया, अच्छा है कोई रिजल्ट आ जाएगा, अगर नहीं हुए तो 500 रन से भी ऊपर चले जाएंगे। वैसे क्या कोई चीज़ है यार ये ऋषभ पंत जो है यार, इसने मेरा ख्याल में ये कोई 5वीं या 6ठी इसकी सेंचुरी जो कि इसने ओवरसीज जाके यानी कि अवे ग्राउंड्स के ऊपर बनाई है, जो कि बड़ी एक अचीवमेंट है, स्पेशली इंडिया के बारे में जब हम ये कहते हैं कि सिर्फ होम ग्राउंड के ऊपर ही परफॉर्म करते हैं, तो ये इसी किस्म के प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस पूरा ये जो एक इंप्रेशन था उसको चेंज कर दिया है। दूसरी तरफ जब इंग्लैंड की बैटिंग आई तो उनकी भी 90 के ऊपर 5 आउट हुए थे, और फिर वही हुआ जिसका डर था, कोहली भाई ने जो है वो बदमाशी कर ली, मुंह के फायर मारना शुरू कर दी बेस्टो के ऊपर, बेस्टो गया पागल, उसने जो कोई छक्के चौके मारे, पहले मेरे ख्याल में 60 बॉलों में 14-1 रन बनाए थे, उसके बाद 40-1 बॉलों में पता नहीं अगले जो है वो 70-1 रन बना के तो सेंचुरी भी मार दी उसने, अच्छा वाला स्ट्रगल कर रहा था, ये बीच में से बॉलें निकल रही थी भूमि की और शामी की जो है वो बिल्कुल उसको समझ नहीं आ रही थी कि बॉल किधर से जा रही है, कोहली उसके ऊपर मुंह के ऊपर हंस रहा है, इसी वजह से इनकी बीच में अफरा तफरी हो गई, गर्मा गर्मी हो गई, मतलब आप एक इनफॉर्म बैट्समैन जो कि बेस्टो जैसे बैट्समैन को इस तरह तपाने की कोशिश क्यों करेंगे कोहली सर, इसको तो खुश रखें यार, इसको इस किस्म की बातों में ना उलझाया करें, वो पागल हो गया उसने जो है फिर रन बनाना शुरू कर दी। वैसे एक बात है
कि कोहली की एक बात मुझे माननी पड़ेगी भाई, ये जो अप्रोच है ना गोरों को उन्हीं की कंडीशंस में उन्हीं की पिच के ऊपर जाके कोई पड़ता है ना, तो ये बंदा पड़ता है। और इसने जो एशियंस का ये पूरा वो माइंड सेट वो चेंज किया है। गोरे इसके सामने बोलते बोलते नहीं है, ये बात है। ये और बात है कि मासूम बिल्कुल ही किसी भी फॉर्म में नहीं है भाई। तू जो इसके ऊपर इतनी बातें बातें कर रहे, तू पहले अपनी बैटिंग के ऊपर तो गौर कर ले यार। मेरा ख्याल में इसका ये एम है कि अब ना मैं बैटिंग ना मैं बॉलिंग, मैं जो है ना स्लेजिंग की बेस के ऊपर टीम के अंदर अपनी जगह बनाऊंगा। जैसे कोई बंदा हो ना तो वो माइंड ना करे, मैं अपनी टीम के अंदर एक प्लेयर को ऐसा चाहूंगा जो कि ऑपोजिशन के ऊपर चढ़ा रहा है, उनको खूब इरिटेट करे और बस मतलब जो है उनको पागल बनाता रहे। खैर उसके बाद बेस्टो जो है उन्होंने जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा करते हुए सेंचुरी मारी, और सेंचुरी मारने के बाद वो आउट हुए तो कोहली ने उनका कैच पकड़ा, और जब कैच पकड़ा तो वो उनको फ्लाइंग चुमिया और पता नहीं क्या कुछ दे रहे थे। यार भाई वो 100 मार के गया है, तू चुप हो जा भाई यार। मतलब वो कितने मारे, वो 300 रन मारे यार टेस्ट के अंदर सेंचुरी। उसने वो कर दिया है जो तुझसे पिछले 3 साल में नहीं हो रहा, जो कि सेंचुरी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि एक फील्डर जो है जो कि स्लिप के अंदर खड़ा है वो इतनी सेलिब्रेशन कर किस तरह सकते। देखो बॉलर जो होता है ना उसकी सेलिब्रेशन फिर भी बन जाती है, वो इमोशंस होते हैं जो कि यू नो वो निकल आते हैं। आप इतनी तेज़ी से भागते हुए आ रहे हो, आप 150 की स्पीड के ऊपर जो है बॉलें फेंक रहे हो, आपको चौके भी पड़ रहे हो, आपको तब भी चढ़ी होती है, फिर जब एक बॉल जो है वो बीच में, तो पूरा प्लान आपने बनाया होता है, आप स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब ऐसा इनफॉर्म बंदा आउट हो जाए तो आपके बगैर कंट्रोल के इमोशन जो है वो बाहर निकल आते हैं। ये बंदा यार ठंडी बर्फी की तरह तू स्लिप के अंदर खड़ा है, तेरे अंदर वो इमोशन इतनी जल्दी इग्नाइट होता किस तरह, ये जो है ना ये मेडिकली पॉसिबल है ही नहीं जो इस बंदे में होता है। तो मेरा ख्याल में ये जो है ना ज्यादा फिल्में देखने की वजह से इनके ऊपर असर हुआ हुआ है, ये फिल्मी सिंड्रोम है। खैर जो भी हो, बेन स्टोक्स जो है उसने बड़ी जबरदस्त किस्म के कैचेस दिए थे इनके फील्डर्स को, उनसे भी ड्रॉप होते गए, पता नहीं क्या हल्ले कैचेस थे। एक जो कैच था वो इतना ऊपर गया, नीचे जो ठाकुर खड़ा हुआ था वो इतना ऊपर चला गया कि नीचे आते आते तक ना ज्यादा ही देर हो गई। तो वो जितनी देर बढ़ती जाती ना बॉल के नीचे आने, बंदे की जो है उसके बाद जो है स्टोक्स को एक और चांस ही मिला जिसके अंदर कप्तान ने जो है बिल्कुल हाथों में आती बॉल को ड्रॉप कर दिया था, और फिर अगली बॉल पे फिर वहीं पर शॉट खेलते हुए उसी बंदे यानी कि कप्तान भूमि ने जो है इसका कैच ही पकड़ लिया। पता नहीं किस किस्म की क्रिकेट हो रही थी यार, एक जगह आपने शॉट खेल ली उसके बाद आप फिर उधर ही खेल रहे हैं, उसी बंदे को दे रहे हैं और आप कैच आउट भी हो गए। मेरे ख्याल में इंग्लैंड वाले आउट होने के लिए मेहनत कर रहे थे और जो इंडिया वाले थे वो भी आउट ना करने के ऊपर मेहनत कर रहे थे। कुल लगता है कुछ जबरदस्त किस्म की बैटिंग वैटिंग चल रही थी भाई। खैर जो भी हो, इंडिया इस वक्त टोटली कंट्रोल में है बेस्टो के आउट होने के बाद। इंग्लैंड कुछ भी नहीं कर सका था और अभी मेरे ख्याल में 220-230 रन की लीड हो चुकी है, 3-3 आउट हैं इस वक्त इंडिया के। और मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर इंग्लैंड वापस आ पाएगा, क्योंकि जितनी डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग इंडिया कर रहा है वो मिसिंग थी जो कि कीवी बॉलर्स नहीं कर रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इनके लिए इतना आसान होगा कि यहाँ से कमबैक करके जीत जाएं, बट फिर भी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो रहा है और मज़ा आएगा भाई। न्यूज़ ये भी हो रही है कि ट्राई नेशन सीरीज होने वाली है। बहुत दुआओं के बाद बहुत दफ़ा हम ये इसी बारे में बात करते रहे कि यार ये जो 3 सीरीज हुआ करती थी वो क्यों नहीं हो रही 3 मिल्कों की। इसके अंदर बात दरअसल ये हो रही है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और न्यूजीलैंड की सीरीज होगी न्यूजीलैंड के अंदर, वहाँ पर T20 मैचेस होंगे और एक ही दिन में 2-2 मैचेस हुआ करेंगे, क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ही कम है बेचारों ने, लगता है ज़बरदस्ती बीच में घुसाई ये सीरीज, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि ये 2 सीरीज होती है ना उसके अंदर बायलैटरल सीरीज जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर बस 2 ही कंट्रीज खेल रही होती हैं, बाकी जो है दुनिया वो उसको नहीं देख रही होती। जो ट्राई नेशन सीरीज होती है उसके अंदर बड़ी दुनिया का एक एक टूर्नामेंट बना हुआ होता है, तो उनका इंटरेस्ट भी पैदा हो रहा था। लेकिन मुझे पूरी यकीन है कि वो इसलिए खत्म हो गया था क्योंकि उसके अंदर एक टीम हमेशा ये कहती होगी कि सारे स्पॉन्सर्स तो हमारी वजह से आए हैं तो आप लोग क्यों मजे कर रहे हैं इन पैसों के ऊपर। दूसरी बात यह कि अगर हमारी वजह से सारे स्पॉन्सर आए और हम फाइनल में नहीं आए तो ये भी बहुत बड़ी बात है, और अगर फाइनल में आके हम हार गए हैं तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो इसी वजह से वो बिग थ्री का कॉन्सेप्ट बन गया और वो लोग जो है अपना ही एक अलग जोन में चले गए और उसके अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड है। तो मेरा ये मानना है कि जो बाकी जो टीम्स हैं उनको चाहिए कि वो फिर अपनी जो है इस किस्म की सीरीज करना शुरू कर दे। उसके अंदर भी बहुत सी टीम्स आ जाती हैं जैसे कि पाकिस्तान है, श्रीलंका है, वेस्ट इंडीज़ है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, जिम्बाब्वे है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ये ऐसी टीम्स हैं जो कि कभी भी किसी को भी अपसेट कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल में इनको अपनी सीरीज कर लेनी चाहिए अगर वो लोग नहीं भी हमारे साथ खेलना चाहते हैं। तो अच्छी बात है कि ये टूर्नामेंट हो रहा है, थोड़ा सा जुल्म उन टीम्स का जरूर हो जाएगा जिनको एक ही दिन के अंदर 2 मैचेस खेलने पड़ेंगे कि चलो यार T20 कोई बात नहीं खेल लेंगे। साथ ही साथ एक बुरी खबर ये भी आई है, दुख भरी खबर है कि इयन मॉर्गन जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। हमने अपनी 1-2 वीडियोस पहले ही ये बात की थी कि यार मेरा ख्याल में इनको ना अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। उन्होंने हमारी जो वीडियो है वो देख ली और उन्होंने मुझे फोन भी किया, उन्होंने कहा कि दोस्त तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी यही सोच रहा था, अच्छी बात है कि तुमने जो है वो मेरी दिल की बात बोल दी। तो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। ये होती है गैरतमंद कौम जिसको पता था कि यार मैं अगर कुछ अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ एज ए कैप्टन मैं टीम के अंदर नहीं हो सकता तो मुझे इज्जत के साथ क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए।
बिकॉज अभी अगर जो बैड पैच आ गया है उसको सही होते होते तक मेरी उम्र वैसी निकल जाएगी, तो वर्ल्ड कप भी सर के ऊपर आ रहा है तो मुझे मेरे हमें टीम से निकल जाना चाहिए और कोई जो डिजर्विंग प्लेयर है उसको आना चाहिए। एंड माइंड यू ये इसी किस्म की गैरत होती है जो कि हमारे इन रीजन्स में होती नहीं। लोग खेलते रहते हैं, घसीटियां मारते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम क्यों निकले। बहुत से ऐसे कप्तान हैं जो दो दो तीन तीन साल खेलते रहे टीम के अंदर, खुद उनकी परफॉर्मेंस कोई भी नहीं होती थी, सिर्फ इसी बेस के ऊपर वो टीम के अंदर रहे कि वो कैप्टन। वैसे आपस की बात है कि मॉर्गन ने जो इंग्लैंड टीम थी जो लिमिटेड ओवर से उसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का चेंज लाया था 2015 में, गालिबन ये आए थे कप्तान बन के, और उसके बाद से जो है वो इंग्लैंड की टीम क्या बनी थी। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता ओडीआई का, उस जमाने भी मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आप लास्ट फाइनल को देख के कहें कि भाई ये लकी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन उस पूरे टूर्नामेंट में और उससे पहले भी जो भी सीरीज़ खेलते रहे बहुत ही बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेली, और सबसे बेस्ट टीम उस वर्ल्ड कप के अंदर इंग्लैंड की ही थी। तो वो इन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन की है इंग्लिश क्रिकेट के लिए और हमें वो सराहना चाहिए। खैर खुशखबरी ये है कि बाबर आजम जो है वो T20 रैंकिंग के अंदर दुनिया के सबसे लंबे अरसे तक नंबर वन के ऊपर रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं। इससे पहले कोहली का रिकॉर्ड था और ये कोई 1000 से ज्यादा दिन तक T20 में नंबर वन के ऊपर हिसाब लगाए कि तकरीबन को 3-1 साल हो चुके हैं कि नंबर वन के ऊपर। यार शहजादा आदमी है और मैं इसके बारे में और क्या कहूँ, मैं तो पता नहीं कितनी वीडियोस बना दी हैं और अब तो मैं थक ही गया हूँ, अब तो जब ये परफॉर्म नहीं करता तो वो न्यूज़ बनती है। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी देना थे हम पर। खैर आपको पता है कि इससे पहले एक और भी पाकिस्तानी बैट्समैन था जो कि पूरे 1 साल के लिए T20 के अंदर नंबर वन के ऊपर रहा है। आप गेस करें कि वो कौन होगा, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, नीचे कॉमेंट्स में लिख दें कि कौन होगा भाई। नहीं हुआ ना गैस भाई, गैस हो गया है या नहीं हुआ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो था मिसबाउल हक, यानी कि टुक टुक, तुम लोग उसको टुक टुक कहते रहे, वो T20 के अंदर 1 साल तक नंबर वन बैट्समैन रह चुका है। हमारी उसके इंटेलेक्ट ही मेरे को 11 साल की बच्ची वाला है, 11 साल की बच्ची थी जिसने टीवी के ऊपर किसी जर्नलिस्ट को आके कहा था कि मिसबा अंकल जो है वो टुक 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 करके खेलते रहे, इसलिए उसका नाम टुक टुक रख लिया। हमारे मीमर जो है हम सबको तो ट्रोल करने का बहुत शौक होता है, तो उसको बस टुक टुक का नाम हमने दे दिया था, नॉट रियलाइजिंग कि वो 1 साल तक T20 आईएस का नंबर वन रैंक्ड बैट्समैन रह चुका है। खैर इस सब के बीच में एक और सीरीज भी हो रही थी जो कि इंडिया और आयरलैंड की हो रही थी, जिसके अंदर पांड्या जो हैं वो इंडियन टीम को कैप्टन कर रहे थे। स्टेडियम भरा होता था, कोई मेरे ख्याल में 9,000-10,000 उसकी कैपेसिटी थी और सारे के सारे इंडियंस जो है वो पहुंचे हुआ करते थे। कुछ पाकिस्तानी भी थे जो कि आयरलैंड की टीम को बहुत सपोर्ट कर रहे थे और आयरलैंड की टीम ने क्या बेहतरीन से क्रिकेट खेला है। पहली T20 के अंदर तो फिर भी जो है वन साइड अफेयर था, लेकिन सेकंड T20 के अंदर 225 रन बनाए थे इंडिया ने, जो कि ये तकरीबन चेस कर गए थे 221-222 के ऊपर मेरे ख्याल में आउट हुए हैं। आखिरी ओवर के अंदर कोई 19 रन चाहिए थे और 4-5 रन से हारे हैं। दो बॉलों के ऊपर 6 रन वाली सिचुएशन आ गई थी, तो एक भी शॉट अगर लग जाती तो मैच खत्म था। और इंडियन बॉलर्स ने ऐसे हलवे दिए थे अगर किसी और टीम को दे रहे होते तो कब का मैच खत्म हुआ था, लेकिन बेचारे आयरलैंड वाले जो उनको पूरी तरह से यूज़ नहीं कर सके, फुल टॉसें आ रही हैं, जूसी फुल टॉस आ रही है, लेकिन कुछ भी कर नहीं सके उसके ऊपर। यहीं पर बात होगी उमरान मलिक की, जिनकी मेरे ख्याल में बातें जो है वो करोड़ों की थी और दुकान जो है पकड़ों की निकली। पहले मैच में एक ओवर उन्होंने कराया और 14 रन खा लिए तो उनको साइड पर कर दिया आयरलैंड जैसी टीम के अगेंस्ट। उसके बाद जो दूसरा मैच भी था उसके अंदर भी कुट खाते रहे, लास्ट ओवर में वो ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 19 रन डिफेंड करके, जिस तरह पता नहीं कोई 4 रन डिफेंड किए तूने। खैर पांडू मेरा दोस्त जो है उसने बड़ी बेहतरीन किस्म की जो है कप्तानी भी की, ये फुल मैच्योर हुआ भाई। उससे पहले जो पहला मैच हुआ था उसके अंदर ट्रैक्टर नाम का एक बंदा था जो कि बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग कर रहा था, आयरिश था, बच्चा है मेरे ख्याल में 22 साल का। तो पांडू ने उसको कहा कि यार मैंने जाके मैच के बाद जो है ना उसको बल्ला भी गिफ्ट किया और उसको ये कहा कि तुम इसी तरह दिल लगा के खेलते रहो, एक दिन तुम IPL में जरूर आ जाओगे। बड़ी बात है यार भाई, तू IPL ना हो गया पता नहीं क्या, मतलब पूरी दुनिया की टूर्नामेंट वर्ल्ड कप ये वो, वर्ल्ड नंबर वन T20 बैट्समैन नहीं बनना, IPL में आना, यही तुम्हारा एम होना चाहिए कि मैंने IPL के लिए खेलना है एक दिन। वहां पर तेरे चल रहे ना भाई ये उमरान मलिक और इस किस्म के बॉलर जो है, तू भी पता नहीं करोड़ों की दुकानें तुम लोगों की है उधर, तो फिर आके इंटरनेशनल के ऊपर आके तुम लोगों की हवा निकली हुई होती है। आयरलैंड भी जो वो चेस कर गया था। पांडू मेरा दोस्त जो है यार बेहतरीन यार, मतलब ये जो इसकी ये भी ना एक फिल्म में जिंदा है और आई लव सच कैरेक्टर्स। मैं चाहूंगा कि ये नेशनल टीम का जो है वो फुल टाइम कप्तान बने ताकि मैं इसको इंजॉय करूं। इसका जो वो होता है ना, ये जब मैच भी खत्म हुआ है ना तो उसके बाद भी जो है वो ग्रुप फोटो में सबसे कोने में खड़ा होता है, तो मेरे को धोनी बन गया था, ये अपने दिमाग में अभी भी धोनी है। वो कह रहा है अच्छा जी, कमेंटेटर ने इसको कहा कि जी आखिरी ओवर में जब 17-19 रन चाहिए थे और छक्के पे छक्के पड़ रहे थे तो खींचू थोड़ा सा तो पैनिक हुआ करता था, नहीं कौन सा प्रेशर कौन सा पैनिक, मुझे तो पता ही नहीं है, ये सब बड़ा नॉर्मल है भाई। वाह ये हुई ना बात मेरे दोस्त की, तो मेरा दोस्त है ना ये तो अपने दिमाग में धोनी बना हुआ है, धोनी से भी ऊपर की चीज है भाई ये। खैर फर्स्ट T20 जो हुआ था इनका आयरलैंड के खिलाफ, उसके अंदर भुवनेश्वर जो है उसने मेरे ख्याल में कोई 200 किलोमीटर पर आर की स्पीड के ऊपर बॉल करा दी थी। इनके मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी ना शरारतें हो रही थी स्पीड गन के साथ कि किसी तरह वो जो रिकॉर्ड है ना जो शोएब अख्तर का जो पता नहीं सबके जो हलक में जो है कांटे की तरह फंसा है वो किसी तरह टूट जाए। उसी मेरे ख्याल में इमरान मलिक को भी जो है वो डाला जा रहा है हर जगह, बस किसी तरह यार तू बॉल बेशक बैठे करा दे, तू एक बॉल वो मार दे भाई, खाली यही बात तो नहीं होती ना
इतनी क्या आपने स्पीड कर दी है भाई, उस बंदे ने जो है बड़ा इसका लंबा करियर है, और उसने जो है बड़ी बेहतरीन किस्म की फॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए, क्या जबरदस्त किस्म की लाइन एंड लेंथ के सही ऊपर, है क्या स्विंगे स्विंगे इन स्विंगिंग यॉर्कर जो इसके लगते थे, स्टंप पे उड़ती भी जा रही होती थी, ये होता है कमाल भाई। खैर वो हुदा और संजू सैमसन जो है उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की, बहुत से ऐसे लोग थे जो कि संजू से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हुए हैं, मैंने उनको नहीं देखा आईपीएल के अंदर, लेकिन अच्छा है सुना है कि बड़ा जबरदस्त किस्म का टैलेंट है। खैर भाई, बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, बहुत ज़बरदस्त। इसमें पाकिस्तान के भी कोई सीरीज़ ही नहीं हुई तो उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करी इन्होंने ना, लेकिन बाबर आजम के रिकॉर्ड के बारे में बात करी यार। ये तो मानना पड़ेगा यार, 1000 दिन बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है, और बिल्कुल अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखा उन्होंने, सही है। और मिसबाह-उल- हक का बड़ा शॉकिंग था यार। हाँ, ये मुझे पता नहीं था कि वो भी 1 साल तक रहे हैं। 1 साल तक तो सही था। बाकी इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच चल रहा है, टेस्ट मैच, उसमें बहुत मज़ा आ रहा है, और इंडिया इंडिया ने पूरी तरह से अपने अंडर में कर लिया है टेस्ट मैच, और बिल्कुल मुझे लगता है हम 100% फर्स्ट कि मैच भाई तो इंडिया ही जीतेगा, इंडिया की झोली में वन जाएगा। एंड ओनली मैच है वो, फर्स्ट ही है, एक ही मैच है, एक ही मैच है बस। हाँ, तो वो जीतेगा इंडिया ही सीरीज सीरीज अपनी, इंडिया जीत जाएगा। तो बहुत सही था, और आयरलैंड टूर वाकई में मज़ेदार था, और बिल्कुल आयरलैंड ने परफॉर्मेंस जो दी सेकेंड T20 में भाई, मज़ा आ गया भाई। 200 रन तक चलेगा, कितना करीब आ गए थे वो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक्सपीरियंस की कमी थी, बस एक भुवनेश्वर और पांड्या थे, बाकी सब नए प्लेयर नए थे। प्लेयर्स तो वो इसीलिए तो उनको भेजा था वहाँ पर कि भाई बिल्कुल जाके देखो इंटरनेशनल में कैसा होता है कंपटीशन। और उमरान मलिक यार बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी थोड़ी लाइन मिस हो गई थी, उन्हें मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा सेटल होने में, एकदम से इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री कर लेना। कुछ ज़्यादा फास्ट एंट्री हो गई, बहुत ज़्यादा इसी फास्ट साल हो गया। तो वो आईपीएल में आए थे और फिर सीधा इंटरनेशनल आ गए, तो इस वजह से बिल्कुल तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लेकिन टैलेंट है बंदे में। बिल्कुल, तो गाइज आप बताओ आपका अच्छा रिएक्शन कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, मिलते अगले वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।